उसे कहना कि लौट आए, उसे कहना कि लौट आए, दिसंबर जाने वाला है। कड़न वाले सो सोना सावला, कड़न वाले सो सोना सावला, वतन साडे गरीबां दे। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथ ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम फादर वकील जस्ट वन टीवी और आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहीद। नाज़रीन, आपको पता है कि ये अब जाता हुआ दिसंबर कितनी ठंड, कितनी सर्दी, लेकिन मज़ेदार सर्दी। मुझे तो वैसे बहुत अच्छी लगती है, मुझे काफ़ी पसंद है सर्दी और ये दिसंबर का महीना, और फिर ये कि कॉफ़ी से उठती हुई वो भाप, उसकी खूबसूरत खुशबू, वाह क्या बात। अच्छा, तो इसलिए मेरी बहुत अच्छी दोस्त और लाइक माई यंगर सिस्टर, या मैं तो उसे अपना बेबी कह देती हूँ क्योंकि मुल्तान से उसके साथ बड़ा ताल्लुक़ है, और थोड़े दिनों के लिए वो बाहर भी चली गई थी, आजकल आई भी हैं, मेरी मुराद मिस सादिया गिलानी एडवोकेट हाई कोर्ट से है। वो LLM करने कनाडा गई हुई थी, और आजकल क्योंकि वहाँ सर्दी बड़ी शदीद है तो वो फिर यहाँ पाई जाती हैं, तो मैंने कहा सादिया प्रोग्राम में आओ और आके दिसंबर हमारे साथ मनाओ। तो अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और आप मुझसे इतना प्यार करती हैं और मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं, बहनों की तरह, तो ये आपका बड़ापन है और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बेटा ये तो लव बिगेट्स लव, अब ये देखिए ना, ये मोहब्बत मोहब्बत को खींचती है, तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। आप मेरी छोटी बहनें हैं, मेरे बच्चों की तरह, छोटे बहन भाई बच्चों की तरह ही होते हैं यार, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप आते हो और आके यहाँ अपनी खूबसूरत बातें शेयर करते हो। फिर सबसे बड़ी बात है कि लॉ कम्युनिटी, आपको पता है कि वकीलों के साथ वो तो एक, फिर हमारी कम्युनिटी भी उनके साथ तो एक इश्क की हद तक प्यार है। अच्छा, तो सादिया वहाँ कैसा रहा कनाडा में LLM करना? वैसे तो बहुत अच्छा है हर लिहाज से, और मेरा चांस बना था तो मैंने कहा क्यों ना मतलब LLM किया जाए। आपको पता है कि मैंने MSc क्रिमिनोलॉजी पहले किया, तो फिर LLM का मुझे शौक था, तो उस साइड पे फिर मैं चली गई तो सब अच्छा, लेकिन वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से मैं ठंड से बच के तो पाकिस्तान आई, और पाकिस्तान में तो दिसंबर का मज़ा ही कुछ और है, कुछ और है, ये बात कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि सर्दी ही दिसंबर में होती है, दिसंबर है, जनवरी है, नवंबर में भी कोई सर्दी नहीं थी। आप यकीन करें कि मैं जब जाया करती थी तो मैं AC चलाती थी गाड़ी में, और अक्सर लोग यही कहते थे कि हम भी मतलब हम हल्का सा पफ देते हैं AC का, कि इतना हब्स हो जाता है, लेकिन बहरहाल ये मजेदार सर्दी है। हाँ जी बिल्कुल, मैं ये तो एंजॉय करनी है, और ऊपर से सबसे अच्छी बात ये है कि आपने मुझे आखिरी जो दिसंबर का आपके प्रोग्राम है उसमें आपने मुझे इनवाइट किया, तो मुझे अच्छा लगा कि दिसंबर के बारे में अपने ख्यालात जो है आपसे। आज हम दिसंबर मनाते हैं यार, दिसंबर के बारे में बड़ी बड़ी खूबसूरत शायरी हुई है दिसंबर के बारे में, आप देखें, और शायरों का बड़ा पसंदीदा महीना है दिसंबर का, ये अलहदा बात है, होते तो दुखिया दुखिया ही हैं लेकिन उन्हें पसंद दिसंबर ज़रूर है। जी सही बात। तो आप शायरी भी करती हैं? जी थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे शायर जो है वो बहुत पसंद है, मैं उनको सुनती हूँ, उनकी शायरी को अच्छे। हमारे एडवोकेट में से एक बहुत बड़ा नाम है खालिद शरीफ साहब, आपने उनके पे प्रोग्राम भी किया, तो मुझे उनकी शायरी बहुत पसंद है और वो मेरी इंस्पिरेशन भी किया, और मुझे उनकी शायरी पसंद भी बड़ी है, और खास तौर पे उनका वो बड़ा फेमस शेर। जी वो मुझे उनका शेर बहुत अच्छा लगता है, और वो है भी उदासी और इस तरह, तो जैसे वो है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो क्या बात है शेर, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शेर। ये तो पूरी उनकी बुक है, और फिर ये बड़ा खूबसूरत शेर उनका, और अक्सर आप देखें कि अहमद फराज साहब का जब उनका इंतकाल हुआ है तो उस पर भी ये शेर उनका लिखा गया था, कि ये उनका इतना फेमस शेर है। अच्छा, तो और सादिया कुछ तुम किस किस्म की शायरी करती हो? मैं भी बस, मैं शायरा तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो मेरे समझ आती है, शायरी तो मैं यही है ना भाई, आप जब शेर लिख लेती हैं तो बस ठीक है, ये अलहदा बात है कि हम मसरूफ लोग होते हैं थोड़ा सा अपने प्रोफेशन में, तो वरना तो बड़ा जी चाहता है कि इंसान ये खूबसूरत लफ्जों के मोती जो पिरोता चला जाए, और फिर तो चलें आज कुछ सुनाएं फिर दिसंबर के हवाले से। दिसंबर के हवाले से मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ, उसे कहना कि लौट आए, उसे कहना कि लौट आए, दिसंबर जाने वाला है। ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि उन्होंने पहले सुनाया तो मैंने कहा यार ये तो होता है दिसंबर,
दिसंबर आ गया, इसने कहा अब तो जाने वाला है, तो इसी मुनासबत से मैंने उसे बनाया ना, उसने इसी मुनासबत से बना लिया, दिसंबर जाने वाला है तो अब तो लौट आए ना। सही बात है। अच्छा तो सादिया एलएलएम करने के बाद फिर बाकायदा आप अपनी प्रैक्टिस करेंगी? जी किचन एमओ, चलो तालीम एक मुकम्मल होगी, अच्छी बात है। देखिए ये जो बैचलर लाइफ होती है ना यार, ये बड़ी ज़बरदस्त लाइफ होती है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी नींद सोते अपनी नींद उठते, ये वाकई ठीक है। अभी आप जो कुछ करना चाहते हो कर लो, लेकिन फिर मैरिज के बाद जब एक दफ़ा बंदा प्रैक्टिस में आ जाए तो फिर ज़रा उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, और इतना फ्री नहीं होता कि फिर आपकी स्टडी जो है वो रह जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि पहले एक दफ़ा स्टडी कंप्लीट कर लूँ, तो उसके बाद प्रैक्टिस तो फिर चलती रही है, तो सारी ज़िंदगी हमने सीखना है और करना है, तो इसलिए। अच्छा तो कुछ और, अच्छा मैं ये आपको बताऊँ, सादिया की आवाज़ भी बड़ी अच्छी है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा गुनगुना भी लेती है। वैसे यार फन और वकील में गुनगुनाने में पाबंदी नहीं है, ये प्रोग्राम ही इसलिए हमने बनाया है। ये तो बहुत आप लोगों को एक मौका देती है अपने टैलेंट को, लेकिन वैसे तो हम लोग प्रैक्टिस में इतना बिजी होते हैं, इन चीज़ों का हमें डिस्क्राइब करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आपका ये जो प्लेटफॉर्म है जस्ट वन टीवी का, तो बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि ये हमारे जैसे जो वुकला है उनको आने का अपने टैलेंट जो है, जुमेदा साहब से आप आदमी मिले वो कितने खुश हुए थे, उनका नहीं करें 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 प्रोग्राम करें, बिल्कुल प्रमोट करते हैं, बिल्कुल बड़ा नाइस पर्सनैलिटी और अच्छा, मतलब कि उन्होंने ये इवेंट जो सारा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और वुकला के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया कि वो अपने प्रैक्टिस के अलावा भी, जो लॉ के अलावा भी अपनी जो सलाहियतें हैं उनके अंदर वो उनको लेके आए बाहर। और अच्छा बाज़ों का बल्कि शुरू शुरू में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो हमारे कुछ दोस्त में भी वो सिर्फ वकीलों से वकालत की ही बात या लॉ की बात सुनना चाहते हैं, ये ज्यादा बात है ना। देखिए ना, अब कोई डॉक्टर बैठा होगा तो वो लोग फील करते हैं जी हमें कोई मेडिकल की टिप्स बताएंगे या कुछ ऐसा है, ये प्रोफेशन की बात है, कोई ये उनका कसूर नहीं था, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भी एक लॉयर है तो वो लॉ की बात करेगा, तो उन्होंने कहा जी ये क्या, ये तो भाई लॉयर्स हैं तो ये, तो फिर उन्हें ये बताया कि फ़न और वकील का तो मतलब यही है कि जो हमारे लॉयर्स, और आप इस प्रोग्राम के हवाले से आप सबको भी मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान के आप किसी भी शहर में रहते हैं, किसी इलाके से भी आपका ताल्लुक है, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, और जो आपके अंदर एक हिडन क्वालिटीज़ हैं, लॉयर तो आप हैं, वकालत तो आप करते हैं, लेकिन अगर आप शायरी कर सकते हैं, अगर आप सिंगिंग कर सकते हैं, अगर आप पेंटिंग कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप आएँ, इस ये आप प्लेटफॉर्म आपके लिए है, और बिल्कुल सादिया की जगह आप आके बैठें और आप भी अपना इंटरव्यू भी दें, अपनी अच्छी बातें भी हमसे शेयर करें। इसमें थोड़ी दिल की बातें होती हैं कि वो बातें जो हम महसूस करते हैं आम करते नहीं हैं, तो इसलिए। तो सादिया कुछ गुनगुना के सुनाओगी? मैं दिसंबर के अच्छा दिसंबर के हवाले से, ये सादिया माशाल्लाह इसका ताल्लुक मुल्तान से है, तो खुशी की ये बात है, मुल्तान की भी एक नुमाइंदगी है, और ये बड़ी खूबसूरत जबान स्ट्राइकी इसकी जबान है, जो मुझे बड़ी पसंद है यार, बड़ी स्वीट मीठी जबान। सराइकी हूँ तो मुझे बेसिकली मतलब बहुत पसंद है पर्सनली सराइकी, तो मैं सराइकी का ही एक सॉन्ग है तो वो आपको सुनाना चाहूंगी। जरूर सुनाए जनाब। कडण वाले सो सोना सावेला, कडण वाले सो सोना सावेला, वतन साडे गरीबां दे, कडण वाले सो सोना सावेला, वतन साडे गरीबां दे, सोना सावेला क्यों विसारई, लगी होई यारी दा बार बार आई, साकू चल बोड़ाई के कुतारई, बूहे खाली उम्मीदां दे, कदण वाले सो सोना सावेला, वतन साडे गरीबां दे। वाह बहुत अच्छा, ये बड़ा अच्छी बात इसने की कि बोड़ा मतलब कि अगर हमें डिबोया है तो किसको तारा है, तारे तू मतलब साखू तो चल बोर्ड छोड़े के कुतारे, और वो कह रहा है कि मतलब बूहे खाली हैं उम्मीदां दे, अभी भी उसने उम्मीदें लगाई हुई और वो कह रहा है खाली है, मतलब ये देखे ना कि या कुछ अपना भी तुमने कुछ संवारा है कि नहीं संवारा, क्योंकि वो इसके ऊपर भी एक शेर याद आया कि अपनी तामीर उठाते तो कोई बात भी थी, अपनी तामीर उठाते तो कोई बात भी थी, तुमने तो उम्र गंवा दी मेरी मिसमारी। तो आप देखे ना कि सिर्फ एक शख्स को मिसमार करने में बाज लोग अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं, और वही अगर मेहनत वो अपनी तामीर में लगाएं तो कितनी बड़ी बात है, बजाय ये कि वही तनकीद मनकीद, जो हम तो बहुत दूर है इस बात से भाई, मुझे तो आप यकीन करें जो इंसानों में
मैं तो मिलती हूँ जब किसी से बात करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि इसमें अच्छी बात क्या है, जो अच्छी बात है तो मैं उसको हाईलाइट करती हूँ कि यार ये आपका अच्छी बात अच्छा पन है कि आप बड़ा पन है कि आप लोगों की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करती हैं, उनको टैलेंट को बाहर लेके आती हैं। मैं कहती हूँ जो अच्छी बात है उसको भी तो हाईलाइट करें ना आप, वो सारी अच्छी चीज़ें छोड़ के खुदा ना खास्ता जो कोई एक देखिए बतौर इंसान हमें 100 बुराइयाँ हैं, हमें 100 कमजोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, खूबियाँ हैं, तो हम बहुत खूबियाँ छोड़ के हम एक खामी को लेके बैठ जाते हैं तो बहुत सी खामियों के साथ कोई खूबी भी तो होगी ना, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट कर। अच्छा तो वहाँ पे वैसे पाकिस्तान याद आता है कनाडा में? पाकिस्तान तो भूलता ही नहीं, तो याद कैसे आएगा? मतलब पाकिस्तान तो मेरे दिल में हर वक्त, जब भी मैं हर चीज फील करती हूँ या आप लोगों को मिस करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, हमने भी बड़ा, इसलिए तो मैं दिसंबर आपके साथ एंजॉय करने आ रही हूँ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा मैं मेरा दिल कुछ और चाह रहा था कि आप सबके बारे में हमें बताते हैं, पूछती हैं कि आपने ये किया ये, तो आप अपने बारे में भी तो कुछ बताएं ना हमें कि दिसंबर है और फिर वैसे तो वो आपकी तैयारी से माशाल्लाह लग रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाती हैं और सेलिब्रेट करती हैं, तो आप भाई और मुझे सर्दी लगे ना लगे इस वक्त क्योंकि बंद कमरे में बैठे प्रोग्राम में, लेकिन मैंने मैंने एक सर्दी का फील जरूर देनी है। तो आप हमें कुछ थोड़ा और अशार सुनाए अच्छे और अपने बारे में बताएं ना, मतलब आप दिसंबर को कैसे जो है दिसंबर को ऐसे भाई अब देखें कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, अदरवाइज भी, क्योंकि एक बात है कि कैफीन का ना मौसम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कैफीन के जो लोग आदी हैं वो तो आपको पता चाय भी वो पीते हैं, बेशक गर्मी हो या सर्दी हो, तो इस तरह कॉफ़ी भी, लेकिन बहरहाल दिसंबर में उसका मज़ा और होता है। सही बात, दिसंबर में मुझे कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है और वो पेस्ट कॉफ़ी बनाना फिर खुद पीना और साथ अपने अगर कोई आपके अच्छे दोस्त हैं वो साथ आप मिलके कॉफ़ी का एक कप पी लें तो मैं समझती हूँ कि अच्छी शाम गुजरती है। सही, कॉफ़ी तो हम आपके साथ पियेंगे, तो आप कुछ हमें अशार भी सुनाए ना अपने दिसंबर के हवाले से। अच्छा ये इंटरव्यू हो रहा है मेरा? नहीं, मेरा दिल चाह रहा है ना कि आप सबके बारे में पूछते हैं तो हम भी अच्छा। तो हम में भी तो शौक है ना कि आपको जानने का, आपके बारे में आपको क्या पसंद है, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, तो मेरी तरह और भी वकला को बड़े वो इस होंगे सोच तो में कम ही है, बस मुझे लाइकिंग ही है। हम भी मैडम के बारे में जाने कि मैडम को क्या पसंद है और वो उनकी लाइफ के बारे में, तो आप बताएं ना अपने बारे में। बहरहाल मैं तो खैर अल्लाह की बड़ी आजिज़ सी बंदी हूँ, वो तो हमें मालूम है, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने इस आजिज़ सी बंदी को बड़ा नवाजा हुआ है, करम है उस मालिक का, वरना मैं तो इस काबिल नहीं थी कि उसने अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। दूसरी बात यह है कि लाइकिंग ये कि आप सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं जब लोग मिलके, आप यकीन करें जब लोग मिलके बैठते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुझे अच्छा लगता है। यानी इसलिए आपको पता है वो कल्चर के हवाले से मैं प्रोग्राम करती रहती हूँ, शो करती रहती हूँ कि जब सारे लोग एक दफ़ा मिलते हैं, खुश होते हैं, कोई शायरी पढ़ रहा है, कोई सॉन्ग सुना रहा है, कोई थोड़ा आके कोई जोक शेयर कर रहा है, तो लोगों के जब चेहरों पर मुस्कुराहटें होती हैं ना तो वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा होता है। मतलब इसमें तो आप बिल्कुल, आपको ये और अभी वो थोड़ा नाज़रीन मैं फिर वो पिछली दफ़ा मैंने बल्कि कहा भी था हमारा प्रोग्राम था करने का, लेकिन फिर जाहिर है कि ये जो एक मिसहैप हुआ ये हमारे वकला के साथ, तो उसकी वजह से सब जहां उदास थे मैं भी बहुत उदास थी कि भी ऐसा तो नहीं होना था, मगर अब अल्लाह का शुक्र है कि किसी हद तक मामला वो सॉल्व आउट हो गया है। तो अब हमारे दोस्तों का था कि मैडम अब कुछ करें, प्रोग्राम चलें, हम कुछ तो थोड़ा सा कुछ कथारसीज होता है, कुछ दोस्त मिलके बैठते हैं, कुछ गम हल्का होता है या खुशी बढ़ती है, कुछ तो होता है। तो अब इसलिए 7 जनवरी को रखा हुआ ये प्रोग्राम, 7 जनवरी वो नए साल का प्रोग्राम भी हो जाएगा और इंशाल्लाह आप सब लोग बल्कि शिरकत कीजिए, सादिया भी आएगी और उसमें हमने थोड़े से स्किट्स भी रखे हुए हैं, ये मैं उसमें बताऊं कि उसमें छोटे छोटे ना कोई दो हमने इसमें ड्रामे भी रखे हैं, कोई इसराही ड्रामे, यानी जिसका एक अच्छा असर होगा लोगों के ऊपर ना। ऐवान अदल में प्रोग्राम है 3 बजे है और सिविल कोर्ट सिविल बार वही हमारी जो लाहौर बार है वहीं पे, एशिया की सबसे बड़ी बार, हमें फख्र है कि हम उसके मेंबर हैं, हम उसके हमारे लिए एजाज की बात, अल्लाह का शुक्र है हमारे लिए एजाज की बात। तो बस वो प्रोग्राम है 7 जनवरी को, उसमें आप भी शिरकत कर रही हैं, बाकी हमारे दोस्त भी शिरकत कर रहे हैं, तो वो प्रोग्राम इंशाल्लाह होगा। बस ये इस तरह के शौक रहते हैं मेरे और कोई नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इकट्ठा करती हैं। चले आपकी वजह से किसी के कोई अपने गम भूल जाता है, किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो इवेंट को एंजॉय करता है, तो ये तो आपके लिए बड़े खुशी की बात है और उन सब लोगों के लिए कि आप मुस्कुराहटें लेके आती हैं लोगों के चेहरों पे, कितनी अच्छी बात है। अच्छा अभी आप कुछ सुनाएं, आपको अच्छा सा शेर एक सुनाती हूँ, ये बड़ा खूबसूरत, खैर अभी मैंने उसमें देखा, आपने देखा ये कि बड़े अच्छे अच्छे शेर भी बाज़ात उस पर लोग शेयर करते हैं कि वाकई बंदे का जी चाहता है कि ये सुने पढ़े और सुनाए भी।
तो ये कि मुझे क्या खबर कि वो इश्क था, वाह, मुझे क्या खबर कि वो इश्क था, नमाज थी कि सलाम था, वाह, मुझे क्या खबर कि वो इश्क था, नमाज थी कि सलाम था, मेरा अश्क अश्क था मुक्तदी, वाह वाह, मेरा अश्क अश्क था मुक्तदी, तेरा हर्फ हर्फ इमाम, वाह वाह वाह, मुक्तदी कहते हैं पीछे नमाज पढ़ने वाले को, मेरा अश्क अश्क था मुक्तदी, तेरा हर्फ हर्फ इमाम था, वाह बहुत तो ये बड़ा कि चांदनी रात ढलती शाम पतझड़ और दिसंबर, चांदनी रात ढलती शाम पतझड़ और दिसंबर, सभी एक कयामत है इंतजार सारों का, सभी एक कयामत है इंतजार सारों को है, यानी आप देखें ना कभी अगर ढलती शाम को देखें आप, गिरते हुए पत्तों को देखें, तो वो बड़ा एक आपको बड़ी एक अजीब सी कैफियत में वो ले जाते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लिखले दिखाने वाले लोग हैं कि जरा सा लिख भी लेते हैं, तो हम उसको और नजर से देखते हैं वो सारी चीजों को ना, तो चलिए अब दिसंबर का आपने सुना। अच्छा अब मैं आपको सुनाऊं, तुम्हारे बाद गुजरेंगे भला कैसे हमारे दिन, वाह वाह वाह, तुम्हारे बाद गुजरेंगे भला कैसे हमारे दिन, नवंबर से बचेंगे तो दिसंबर मार डालेगा। अल्लाह क्या बात, क्या कि नवंबर से बच भी जाए तो दिसंबर जो है वो मार डालेगा, बहुत खूबसूरत, वाह, बहुत से गम दिसंबर के दिसंबर में नहीं होते, उसे भी गम था जून का मगर रोया दिसंबर में, वाह इतनी देर उसने संभाले रखा गम को कि वो जून का गम उसने आके दिसंबर में बहाए, अल्लाह ही जाने, बड़ा उसका जब्त था जिसने इतना संभाले रखा, हाँ, कितना जब्त था वैसे है, वैसे हुआ था जुल्म है उस पे जिसमें भी हुआ उसे भी गम था जून का मगर रोया दिसंबर में, तो वो कितनी अच्छी इसने बात की है कि कितना जब्त था उसका, हाँ, यार कि उसने वो गम जो है वो छुपाया, इतना वैसे बहुत बड़ी बात है इतना अपने अंदर जज्ब करके उसको छुपा के रखना, तो वैसे तो दुनिया को खबर हो जाती है। अच्छा सादिया, और कोई अच्छी बात शेयर करना चाहो, कोई अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो तो। अच्छा आपने वैसे गिलानी लॉ कॉलेज मुल्तान से लॉ किया, हाँ जी, अच्छा तो मुल्तान की कोई अच्छी बात शेयर करना चाहो, और मैंने एमएससी क्रिमिनोलॉजी, हाँ कि एमएससी आपने क्रिमिनोलॉजी में मुल्तान से किया, बहाउद्दीन सिकरिया यूनिवर्सिटी, और आपने बताया कि आपका मतलब क्रिमिनोलॉजी में यानी क्राइम लॉ में आपका बड़ा एक, हाँ जी, क्योंकि इसमें थोड़ा ये एडवेंचरस और नई नई चीजें सीखने को, और बोरिंग नहीं है ना ये, और अक्सर लोग कहते हैं कि ये एक स्टेज ड्रामा है, हाँ जी, ये जो है ना ये क्रिमिनल जो प्रैक्टिस, हाँ ये क्राइम ये प्रैक्टिस है कि एकदम से आप आए, बेल और वो की बेल यस या फिर नो, सही बात, मामला खत्म, और सिविल के लिए जरा थोड़ा सा वो लंबा है, तो इस वजह से मुझे भी ये चीज पसंद थी, तो इसलिए मैंने एमएससी जो है वो क्रिमिनोलॉजी में किया कि नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, तो बोरिंग नहीं है, और मैं एंड पे यही आपने मैसेज कहा है तो मैं कहूंगी कि मोहब्बत बांटें और खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो नहीं सबको आप साथ लेके चलें, जिस तरह आप कर रही हैं माशाल्लाह सबको साथ लेके, और जो भी खुशी का मौका आता है सराइकी बोल के सुनाओ ना यार, हमारे इलाके की भी तो नुमाइंदगी होनी चाहिए ना मुल्तान की, चले मैं सराइकी च मैसेज देसा के तुसा खुश रहो खुद भी ते बियां को भी खुश रखो और दिसंबर इंजॉय करो, वैसे दिसंबर तो और मुक्का खड़ा है, दिसंबर मुक्का खड़ा, नया साल नवा साल शुरू थी मना ले, चलो नवे साल है तो सुनना ना ख्याल रखो, जिन्ना को तुसा पहले मतलब रुआया है या जेड़े ओछो दे जून दा रोवण ही में छुपाई वदन, तो दिसंबर रे चा के रुने तो उन्ना को हुन नवे साल है तो सा हसाओ चा उन्ना को खुशियां लियो, यो मैं अखे सा, वैसे अगर हमने दो चार तो अपने मैंने अपने मेरे बुकला से बात हुई थी वो अगर आगे तो हम कल भी एक और प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन फिर सादिया के साथ तो प्रोग्राम हम करना चाहते थे क्योंकि सादिया मेरी बहुत प्यारी छोटी सी बहन, माय डॉल, आई है, तो मैंने कहा भी सादिया बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके आपके साथ, आपके इतने मजे मजे के जो आपने ये शायरी सुनाई है मैंने बहुत इंजॉय किया, और रियली इसमें मुझे वाकई और आपकी तैयारी से जो दिसंबर का फील आ रहा है वो मैंने तैयारी दिसंबर के हवाले से की, मैंने कहा भाई अंदर सर्दी लगे या बेशक ना लगे हमने दिसंबर को मनाना ही मनाना, तो ये मैं पाकिस्तान में अच्छा हुआ कि मैं आ गई और मैंने आपके साथ ये दिसंबर की फील इंजॉय कर लिए, बिल्कुल, वरना वहाँ तो बहुत ठंड है वाकई, वो तो जमी भी सर्दी है कनाडा बहुत सर्दी है, तो वाकई सही बात है जनाब, इसके साथ ही हमारा आज का ये दिसंबर का प्रोग्राम जो है वह यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर दोबारा फिर किसी मेल फीमेल लॉयर के साथ
आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, वो भी आपके साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। तो इसके साथ ही जनाब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।